ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम भाग्योदय, मैं हूं आपकी साथी दीपा और हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों के आज के दैनिक राशिफल की। तो पंडित जी, कैसा रहेगा आज इन जातकों का दिन और अपने दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए आज इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए? धनु राशि के जातक, आज का ये पावन दिन आपके लिए उपहार जैसा है। आप बहुत ही मन से श्रद्धा से भगवती गंगा की आप पूजा करें, स्तुति करें, भगवान शिव की पूजा करें, आपका दिन बहुत उत्तम होगा। संतान पक्ष से आपको लाभ का योग मिल रहा है और बहुत बेहतर होगा। पीला रंग आप धारण करें। शुभ अंक आपका आज के दिन 5 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 52 है। मकर राशि के जातक, यात्रा छोटी यात्रा का योग बना हुआ है और बहुत अधिक बेहतर समय भी है, लेकिन साथ साथ में आपको ध्यान रखना होगा खान पान पर। उदर विकार की स्थिति बनी हुई है और भी चीज़ें, यूरिन से संबंधित तमाम दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए खान पान पर ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। रंगों की बात करेंगे तो नीला रंग आपके लिए उत्तम है। भाग्य अंक आपका 8 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 88 है। कुंभ राशि के जातक, बहुत बेहतर समय आपके लिए है। स्वास्थ्य के हिसाब से मानसिक जो चीज़ें हैं उसके अनुकूल आज का दिन है, तो आज के दिन या यदि आप जल का दान कर दें तो बेहतर होगा। किसी को जल पिलाना हो वो भी दान कहा जाता है, और घड़े में जल भर करके भगवान शिव के मंदिर ले जाना वो भी बड़ा उत्तम आपके लिए होगा। आज के दिन जल पात्र में भर करके और बाहर घर के बाहर रखना आपके लिए बहुत उत्तम है। आप कुत्ते को रोटी खिलाएं वो भी बहुत उत्तम है। जल किसी भी पशु को, व्यक्ति को पिलाना आपके लिए आज के दिन बहुत उत्तम है। गंगा जल डालकर स्नान करें, इस तरह करने पर दिन आपका शुभ होगा। शुभ रंगों की बात करें तो आज के दिन आपको धानी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। भाग्य अंक आपका आज के दिन 7 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 77 है। मीन राशि के जातक, आज का दिन आप सॉफ्ट कार्नर के हैं, आपका मन मस्तिष्क बहुत ही सॉफ्ट रहता है, कोमल रहता है, और मछलियों को प्रवाहित करना, मछलियों को फ्री करना, दान करना बड़ा लाभ मिलता है। मछली दान का अर्थ ये है कि जहाँ मछली को आप लेकर के और नदी में छोड़ दें तो मछली को मुक्ति दे दी जाती है, दान कर दिया जाता है, इससे आपको लाभ मिलेगा। त्वचा के विकार, मानसिक विकार, शारीरिक विकार, जल के विकार, उदर के विकार दूर हो जाते हैं, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। और साथ साथ में आज के दिन रंगों की बात करें तो आज के दिन आपको नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। भाग्य अंक आपका 9 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 90 है। जी, तो ये तो हमने जाना 12 राशियों के जातकों का आज के दिन का हाल। पंडित जी, बात कर रहे थे गंगा दशहरा के पावन दिन की, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में आज के दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया जाता है, तो जानना चाहेंगे आज के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं जिनका दान हमें करना चाहिए और जो बहुत ही शुभ फलदायक होगा। शास्त्र में ये बात कही गई है कि गंगा दशहरा के दिन सप्त अनाज के दान की परंपरा कई युगों से चली आ रही है। 7 प्रकार के खड़े अनाज आज के दिन दान करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। गुड़ का दान करने से लाभ होता है। नमक के बाल, जो छोटे छोटे बाल आते हैं, वो दान करने पर लाभ मिलता है। इस तरह से दान करना चाहिए। और साथ साथ में आज के दिन जरूर अपने दोनों हाथों में लेकर के चावल का दान जरूर करना चाहिए। कम से कम इतना चावल, अंजुलि भर चावल दान करना चाहिए। इससे इतना करने पर आपके लिए यम द्वार आपके लिए बंद हो जाएगा, अर्थात यम लोक नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो 7 प्रकार के अनाज दान करें, चावल दान करें, गुड़ दान करें, इस तरह करने पर आपको लाभ होगा। जी, तो साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा की गंगा दशहरे की और जाना आज के दिन किए जाने वाले विशेष दान पुण्य के बारे में। इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का। तो पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे खास विषय गंगा दशहरे पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, हमारी कई समस्याओं का निदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है भाग्योदय का आज का अंक आपको पसंद आया होगा। तो कल फिर हाजिर होंगे लेकर 12 राशियों का दैनिक राशिफल। लेकिन देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल लाइव टुडे। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।